नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। कार्यक्रम में बात होगी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, जिसे लेकर पूरे देश भर में छापेमारी की गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मकरजाल में फंसता हुआ दिख रहा है। ग्वालियर और कोरबा में छापेमारी के दौरान अधिकारियों के हाथ अहम दस्तावेज लगे हैं। और आज चर्चा इसी मसले को लेकर, बातचीत के लिए मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट देखिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में देश भर में सीबीआई ने छापेमारी की है। इसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छापे की जद में ग्वालियर भी आया है। यहां अकोई गांव में एक घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर कुछ कागजात जब्त किए हैं। बता दे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट पूरे देश में फैला है। सीबीआई ने पूरे देश भर में जगह जगह दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने 14 राज्यों में छापेमारी की है। 14 राज्यों के 76 ठिकानों पर सीबीआई ने दबिश दी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी छापेमारी हुई है। 23 से ज्यादा मामले दर्ज भी किए गए हैं। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का विदेश से भी कनेक्शन है। बहरहाल, बढ़ते चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन उस दिशा में ठोस एक्शन की कमी की वजह से अकेले 2020 में ही बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम के मामले 400% तक बढ़ गए। राज्यों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी में 161, महाराष्ट्र में 123, कर्नाटक में 122, असम में 21, मध्य प्रदेश में 20, हिमाचल में 17, हरियाणा में 16, आंध्र प्रदेश में 15, पंजाब में 8 और राजस्थान में पोर्नोग्राफी के 6 मामले दर्ज किए गए थे। तो आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश इस मामले में टॉप 5 राज्यों में शुमार है। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार ने भी सीबीआई के एक्शन की तारीफ की है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और निश्चित रूप से सीबीआई ने एक अच्छा प्रयास किया है। इस तरह की किसी भी समाज को तोड़ने और हमारी भावी पीढ़ी को बिगाड़ने की यदि कोई भी काम हो रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दोनों स्थितियों में, जहां एक और कानून अपना काम करे तो दूसरी ओर समाज में जन जागरण भी हो, इसके पूरे प्रयास किए जाएं। बहरहाल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है, लेकिन क्या सिर्फ छापेमारी से चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर नकेल कस जाएगी या फिर तकनीकी स्तर पर भी इसे रोकने के लिए किसी ठोस कार्य योजना की जरूरत है? टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, देश भर में छापेमारी की जा रही है। सीबीआई की टीमें लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है और छत्तीसगढ़ में भी सीबीआई की टीम पहुंची है। अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अंकुश, कोरबा में भी कुछ इसी तरीके से जो है सीबीआई की टीम पहुंची, छापेमारी की गई, क्या जानकारी फिलहाल अभी तक निकल कर सामने आई है जो मामला कोरबा में सामने आया है? देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि जिस घर में छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है वो राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसके घर से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं वो जब्त किए गए हैं। हालांकि सीबीआई ने सारी जानकारी बिल्कुल साझा नहीं की है और जानकारी देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस यानी कोरबा पुलिस को भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है और ये छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही है। जिस तरीके से कोरबा में ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है उससे उसके बाद जो कार्रवाई लगातार चल रही है उससे स्पष्ट हो गया है कि जो लैपटॉप और मोबाइल और अन्य सामग्री जो बरामद की गई है उसकी जांच पड़ताल के बाद हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के कई और जगहों पर यह छापेमारी कार्रवाई बढ़ सकती है। एक बड़ा अंदेशा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश के करीब 14 राज्यों में 70 से ज्यादा यानी करीब 76 ठिकानों पर यह सीबीआई ने एक साथ रेड मारी है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि यह जो पोर्नोग्राफी वाला जो मामला है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला, ये पूरे देश में फैला हुआ है और पूरे देश में इस तरीके की जो पोर्नोग्राफी है उसको वायरल किया जा रहा था, उसको डाउनलोड अपलोड किया जा रहा था और इस नेट के माध्यम से जो है इसका दुरुपयोग किया जा रहा था। जिसके बाद सीबीआई ने जब छापेमार कार्रवाई की है तो स्पष्ट है कि जब सीबीआई कोई कार्रवाई करती है तो वो बगैर पुख्ता सबूत के कहीं भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम नहीं देती है। मतलब साफ है कि काफ़ी लंबे समय से सीबीआई की ये पूरी प्लानिंग चल रही थी और पूरी प्लानिंग के दौरान
एक एक जगह का मुआयना किया गया होगा, एक एक जगह को चिन्हित किया गया होगा कि जब छापेमार कार्रवाई को अंजाम देना है तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। हालांकि छापेमार कार्रवाई चल रही है कोरबा से, जो हालांकि नाम अभी उजागर नहीं किया गया है, दो अलग अलग नाम चल रहे हैं, इसलिए नाम लेना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई हुई है उसके आधार पर यह माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में केवल एक जगह ये कार्रवाई नहीं हो रही है, और भी कई जगहों पर यह कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, तो कई और जगहों पर भी खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन इस मामले की हम बात करें, जैसे कि आपने जिक्र किया कि कोई जनप्रतिनिधि हैं और जिनके घर से लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान ये तमाम चीजें बरामद की गई है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि अगर जनप्रतिनिधि की हम बात करें तो लोगों को वो एक तरीके से इंस्पायर करते हैं, लेकिन अगर वही इस तरीके की चीजों में संलिप्त होंगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देंगे, तो एक बड़ी चिंता का विषय है ये, कोई भी अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित समझे। बिल्कुल, और चिंता का विषय है क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में किसी जनप्रतिनिधि का नाम आना बेहद शर्मनाक है, और ये शर्मनाक इसलिए हो जाता है कि एक ऐसा अपराध जिसमें बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये बड़ा सवाल उठता है। और ये पूरे देश में जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उसमें हालांकि अभी कहीं से कुछ नाम जो हैं वो तो स्पष्ट तौर पर खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन जब ये CBI कार्रवाई जब अंजाम तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर कई ऐसे बड़े नाम सामने आएंगे जिनके नाम सुनने के बाद चौंकना लाजमी है, क्योंकि इस तरीके के काम, इस तरीके की वारदातों को अंजाम देना, इस तरीके के कामों में लिप्त रहना, ये एक बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक सवाल यहां पर निकल कर सामने आता है। जाहिर तौर पर आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश जैन भी जुड़ चुके हैं, मनोवैज्ञानिक। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। डॉक्टर रजनीश जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अपने बच्चों की मानसिक स्थिति की अगर हम बात करें, अगर किसी को बहला फुसला कर इस तरीके से जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जाती है और उसके बाद उसे वायरल कर दिया जाता है, किस तरीके से बच्चों की मानसिकता को ये प्रभावित करता है, और पेरेंट्स क्या करें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर इस तरह की कोई घटना घट रही है, बच्चे अगर इस तरह से पीड़ित हो रहे हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाती है जी। बच्चा अगर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नाराजगी जाहिर करे या विश्वास दिखाए, उसकी पढ़ाई में अचानक से अरुचि उत्पन्न हो जाए, वो कल्पनाओं में खोया रहे और स्वयं को पीड़ित करे, किसी अंग पर काट ले, किसी अंग को मार ले, कुछ कर ले, शारीरिक रूप से अपने आप को प्रताड़ित करे, या निजी अंगों में कोई पीड़ा बताए, और या किसी तरह के उसको यौन रोग हो रहे हैं, तो आप मानिए कि ऐसे बच्चे को कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल जी, आवाज मिल रही है आपकी रजनीश जी। आप यानी कि आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं कि बच्चों से अगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी बढ़ाया जाए, कई बार बच्चे इस तरीके की चीजों को पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते और डरते हैं इस तरह की बातें बताने से, तो उस तरीके में, उस तरह के केसेस में क्या किया जा सकता है पेरेंट्स की ओर से कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए? नहीं, मैं आपको बताऊं, इस बात से मैं आपके सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैंने बहुत केस देखे हैं बच्चों के पीड़ित होने के, और उनका सबसे पहला बड़ा दुखद बात होती है, उनको ये कहते कि हम अपने गार्जियंस को बताते तो वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो बच्चे पीड़ित होते हैं उसमें 30% करीबी रिश्तेदारी होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, और 60% ऐसे लोग होते हैं जो अपरिचित होते हैं, मतलब परिचित होते हैं कहीं से, मतलब दूर के चाचा मामा फूफा इस तरह के या पड़ोसी, और केवल 10% अजनबी लोगों से पीड़ित होते हैं इस तरह के बच्चे। तो ज्यादातर बच्चियों ने ये कंप्लेन की कि जब हम अपनी माँ को बताते कि हमारे घर में रियल चाचा का बच्चा हमारे साथ कुछ इस तरह की शारीरिक छेड़छाड़ कर रहा है, तो माँ बाप उस बात पे ध्यान नहीं देते, वो उन्हें चुप करा देते हैं कि बदनामी होगी और ये होगी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर बच्चा कहीं पीड़ित हो रहा है, उसको कोई परेशानी आ रही, तो हम उस पर विश्वास करें। बिल्कुल, यौन उत्पीड़न का शिकार अगर बच्चा हो रहा है तो उस पर विश्वास करना भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन साइबर तरीके से, जब साइबर जो सोशल साइट्स हैं उनका इस्तेमाल करके जब वायरल कर दिया जाता है चीजों को, उसके बाद एक मानसिकता भी प्रभावित होती है बच्चे की। आप बने रहिएगा हमारे साथ, सुधीर अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, SP साइबर सेल से, ग्वालियर से, आपका भी स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सुधीर जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, IP एड्रेस तक ट्रेस कर लिया जाता है, और तमाम तरह की जो है हम कह सकते हैं कि
किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन कहां कमी रह जाती है। ग्वालियर में भी आज सीबीआई ने छापेमारी की और यहां पर भी एक मामला सामने आया, क्या वजह लगती है आपको कि बच निकल जाते हैं ऐसे क्रिमिनल? देखिए, जहां तक बच निकलने की और ट्रेस करने की बात है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं हमारे सभी दर्शकों को, और संभवतः जो लोग इन क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं वो भी नागरिक ही हैं कहीं ना कहीं हमारे देश के। साइबर क्राइम को लेके एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के मन में यह है कि हम मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो भी एक्ट करते हैं वो ट्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो छिपे हुए हैं, एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से अपराध कर रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम का इतना एडवांस हो चुका है कि इंटरनेट का यूज करके सोशल साइबर स्पेस में यदि कोई भी क्राइम किया जाता है तो उसका डिटेक्ट होना अवश्यंभावी है, निश्चित रूप से वो डिटेक्ट होता है और इन्वेस्टिगेटर आरोपी तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहले इस भ्रम के कारण जो लोग अपराध करते हैं उनको साइबर स्पेस में अपराध करने से बचना चाहिए। वही दूसरा चीज जो विक्टिम है उसके ऊपर भी यही चीज लागू होती है। विक्टिम को ये लगता है कि यदि इस तरह का कोई अपराध साइबर स्पेस में हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है, तो इसको ट्रेस तो हो नहीं पाना है और हम इसके बारे में बताएंगे तो हमारे साथ ही जगह सही होगी। ज्यादातर जो केसेस हैं वो इस कारण से रिपोर्ट नहीं होते हैं, तो उनको भी मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि उनके साथ, किसी के साथ भी कोई इस तरह का अपराध होता है और उसकी वो रिपोर्ट जाके करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। बिल्कुल, मामलों को रिपोर्ट होना भी जरूरी है। मामलों को अगर रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंचेगी तो कैसे कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ग्वालियर से विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ग्वालियर में ये जो मामला सामने आया है उसे लेकर क्या अभी ताजा जानकारी और अपडेट आपको मिल पाई है, क्या कोई बड़ा खुलासा भी यहाँ पर हुआ है और कहाँ कहाँ इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? सीबीआई की टीम की ओर से तो कोई जानकारी साझा नहीं की गई हो, लेकिन आपको कोई जानकारी मिल पाई हो सूत्रों से? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया गया है कि सीबीआई ने कल पूछताछ की है और लगभग तीन से साढ़े तीन घंटे सीबीआई उस गांव में रही जहां चाइल्ड की जिस तरह के मामले सामने आए हैं, अश्लीलता के वीडियो वायरल करने के मामले सामने आए हैं, उस पर सीबीआई ने लगभग साढ़े तीन घंटे पूछताछ करने के बाद कुछ प्रमाण जुटाए हैं और जिस लड़के से पूछताछ की जा रही है उससे ये भी जानकारी मिल रही है कि उसने कई ऐसे ग्रुपों को बनाया है जहां इस तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। लेकिन ये तो जांच का विषय है, पूरा सीबीआई जब जांच करेगी उसके बाद क्या कुछ निकलता है, इसमें कितना बड़ा नेटवर्क है और जिस तरह से ये नाबालिगों से जुड़ा हुआ पूरा मामला है तो ये कहीं ना कहीं गोपनीय भी रखा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें यह है कि आखिरकार जिस तरह से लोगों को फ्रीडम मिल गई है किसी का भी वीडियो वायरल करने की, इस पर लगाम लगाने की बहुत सख्ती से जरूरत है। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई भी एक आधार कार्ड बनवाने जाता है शासन के पास तो उसे तमाम सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, लेकिन एक कोई भी अनजान व्यक्ति किसी का भी वीडियो बना के वायरल कर देता है और उस तक पहुंचने के लिए तमाम जांच एजेंसियों को, चाहे वो साइबर सेल पुलिस हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, बावजूद इसके वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। सुधीर अग्रवाल जी, मैं देख रहा हूं पिछले लगभग 2-3 साल से लगातार इसमें काम कर रहे हैं, जितने बड़े नेटवर्क तक पहुंचना होता है वहां तक वो नहीं पहुंच पाते और यही वजह है कि अब इसमें कानून में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि एक फॉर्मेलिटीज पूरी होना चाहिए अगर उन तक पहुंचना है। फॉर्मेलिटीज पूरी होगी तो भेजने और वीडियो वाले की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी तो ये आसान होगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कानून में बदलाव की भी जरूरत है और जो सजा का प्रावधान किया गया है वो भी कहीं ना कहीं लगता है कि लोग जो है उतना नहीं समझ पाते या फिर जानकारी इस बारे में लोगों को नहीं है, उन्हें लगता है कि वो बच निकल जाएंगे। हमारे साथ नूपुर दमीजा भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, कानूनी दावपेच हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे समझ लेते हैं रजनीश जी, मनोवैज्ञानिक होने के नाते
आप क्या समझते हैं कि क्या वजह रहती है इस तरह के अपराध बढ़ने के पीछे? मानसिकता लोगों की क्यों इस तरह की होती जा रही है? क्योंकि पहले की हम बात करें, पहले के मुकाबले जो पॉक्सो एक्ट के तहत मामले सामने आए हैं वो ज्यादा बढ़े हैं पहले के मुकाबले हम बात करें, तो क्या मानसिकता आपको लगती है लोगों की इसके पीछे? सबसे पहली बात तो ये है कि जितने जो इस तरह के अपराधी होते हैं वो एक तरह के मानसिक रोगी भी हो सकते हैं। उनको जैसे हम कहते हैं साइकोलॉजी में पीडोफीलिया नाम की बीमारी होती है उनको, मगर जरूरी नहीं कि वो पीडोफीलिया हो। लेकिन सबसे बड़ा इसका कारण जो मुझे लगता है, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि बच्चे बड़े आसान ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम बहुत आसानी से पटा सकते हैं। उनको मतलब थोड़ा सा दबाव डालकर, थोड़ा थ्रेटनिंग करके, थोड़ा पुचकार के, थोड़ा गिफ्ट दे के, उनके मतलब उनको हम ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। अच्छा, होता ये कि जब उनके साथ ही इस तरह का वो शोषण स्टार्ट करते हैं तो उन बच्चों को भी थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन दुर्भाग्यजनक पहलू ये कि वो बच्चे जब अपनी इस बात को कहीं अपने घर में परिवार में बताना चाहते हैं तो लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते। तो एक्चुअल में इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो ये सॉफ्ट कॉर्नर मानकर बहुत आसानी से बच्चे मान जाते हैं, बहुत उनको थोड़ा सा डरा के, धमका के, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना के, थोड़ा उनको मतलब इस तरह से ब्लैकमेल करके, तो ये बच्चे आसानी से उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। लेकिन होता ये कि माँ बाप का ये सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने बच्चों से कम्युनिकेशन बढ़ाए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, आप देखिए बहुत बार ये बात उठा और बहुत बार इस पर बहस हुई है कि आप बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। आप बताइए, ज्यादा अच्छा है कि हम उपचार पर ध्यान दें बजाय उसके कारणों को जानने के। और उपचार का सबसे अच्छा या सावधानियां सबसे अच्छी हो सकती है, जब भी कोई बच्चे में अगर आप कोई अचानक परिवर्तन देखते हैं, अगर वो कह रहा है मुझे बुरे सपने बहुत आते हैं, ये अचानक बिस्तर गीला करने लगता है, बिल्कुल बच्चों पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप कहते नजर आ रहे हैं कि बच्चों की तरफ से अगर कोई ऐसी बात बताई जाती है तो जरूर उस पर ध्यान दिया जाए। डॉक्टर नुपुर धमीजा भी हमारे साथ जुड़ी है, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। आपसे नुपुर जी हम ये समझना चाहेंगे, क्या कुछ प्रावधान कानून के तहत किया गया है सजा का अगर कोई इस तरीके के अपराध में संलिप्त पाया जाता है, और कितना इन मामलों में आपको लगता है कि जो है सजा हो पाती है अपराधी को? चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारे इंडिया में दिस इज द रियली इलीगल एक्ट इन इंडिया, एंड आईटी एक्ट 2000 एंड इंडियन पेनल कोड 1860 गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। Child refers to the person who is below the age of 18 years. Its exploitation has made the children a viable victim to the cyber crime. But हमारे इंडिया में जो हमारा हिंदू कानून है उसमें हम देखेंगे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हैं जो शायद जिन चीजों पर आज हमें ध्यान देने की जरूरत है, कानून तो बन गए लेकिन उनके ऊपर कितना ज्यादा हम फोकस कर पा रहे हैं, उनको कितना ज्यादा लागू कर पा रहे हैं, या कितना ज्यादा अपनी जिंदगी में हम उन कानून के ऊपर चल पा रहे हैं, हमें उनको देखने की जरूरत है। बिल्कुल नुपुर जी, अगर हम बात करें कन्विक्शन रेट भी काफी हम कह सकते हैं कम है, सिर्फ 32% लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें सजा हो पाती है, बाकी के लोग छूट जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह हम समझे? लगातार जिस तरीके से मामले सामने आते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग अगर छूट जाते हैं और उन पर सजा नहीं हो पाती है उन्हें, तो अब इस पर अगर हम बात करें तो ये लगभग सभी मामलों में हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो विक्टिम है वो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत होता है, जो क्रिमिनल है कहीं ना कहीं वो छूट जाता है। तो ये सरासर गलत है और शायद हमें इसके पीछे के जो रीजंस हैं उनको जानने की जरूरत है, और इनके पीछे की जो रीजंस के साथ जो हमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए उसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम बात करें अवेयरनेस, कहीं ना कहीं इस चीज की हमारे अंदर कमी है कि हम अवेयरनेस हमारे अंदर हम लोगों तक अवेयर हम लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन मामलों को रोकथाम जब हम करेंगे और हमें उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी मिलना शुरू होंगे। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि लोग आज के समय में देखेंगे कि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल लोग अपने आप को समझ कर चलते हैं कि हमने ऐसा कर दिया तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका सबसे मेजर
रीजन जो है वो हमारे कानून की कमी है। अगर हम अपने कानून हमारा बना है उसके ऊपर हम उन चीजों को अगर अपनी जिंदगी में अप्लाई करके चलेंगे या उन चीजों के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों में सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि आपको इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और साथ ही साथ आपको ये नहीं सोचना होगा कि अगर हम इस तरीके का अपराध करते हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुधीर अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं एसपी साइबर सेल से। सुधीर जी, जैसा कि अभी जिक्र करती नजर आई नूपुर जी, उनकी तरफ से कहा गया कि लोगों में डर नहीं है, क्या साइबर सेल की टीम उन लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए आप बेहतर तरीके से आप ये समझते हैं कि आप कैसे जो है इस तरीके के मामलों को निपटाते हैं, लेकिन आप से ये समझना चाहेंगे कि क्या किया जाता है, क्या वाकई डर नहीं है साइबर सेल का साइबर क्राइम करने वाले लोगों में, क्या ये वजह समझी जाए? देखिए, इसको इतना सीधा सीधे रूप से तो हम नहीं कह सकते कि डर नहीं है। हमारे पास जो हमारा कानून है उसमें जो भी कृत्य अपराध के रूप में डिफाइन किए गए हैं सबके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है और एक निर्धारित दंड का प्रावधान आईपीसी में और अदर एक्ट्स में किया गया है। आईटी एक्ट भी इसके लिए स्पेशली बना हुआ है और जो भी पेनल सेक्शंस अप्लाई होता है आरोपी व्यक्ति के एक्ट के अनुसार और दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाती है और मामले को यदि वो कॉग्निजिबल मामला है तो उसको कोर्ट में पुट किया जाता है। कोर्ट में विधिवत सुनवाई के पश्चात जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय होता है वो उसके ऊपर उसके अनुसार उसको सजा भी होती है और कुछ केसेस में यदि न्यायालय को लगता है माननीय न्यायालय को लगता है कि हाँ प्रॉपर नहीं है तो कई केसेस में बरी भी लोग होते हैं। तो ये कहना एकदम से ठीक नहीं होगा कि लोगों में कानून का भय नहीं है। जो लॉ अवॉइडिंग लॉ मानने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से कानून से डरते हैं और जो नहीं मानते हैं उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई भी होती है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोगों के साथ अपराध होता है उनको उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। यदि रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं होगी तो फिर ना तो कार्रवाई हो पाएगी और फिर यदि हम ये कहेंगे कि मैं अपराध का भय लोगों में नहीं है तो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। और सुधीर जी, साइबर सेल की टीम की हम बात करें, क्या टीम में पिछली चर्चा में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं पूरी बात सुन नहीं पाया। जी जी, ठीक है। जो टीम है क्या उसमें मेंबर जो होते हैं उसमें किसी तरीके की कमी है या फिर हम कहें कि मैनफोर्स की कमी थोड़ी बहुत विभाग को झेलनी पड़ती है जिसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं, क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, देखिए ये ऐसा एकदम से हम नहीं कह सकते हैं। टीम हमारे पास पर्याप्त है, मैनफोर्स भी है और कार्रवाई भी लगातार होती चलती है। होता यह है कि क्राइम का वॉल्यूम अचानक से कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली कभी कभी ऐसा आप महसूस कर सकते हैं, हमेशा महसूस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। शासन के इतने सारे विभाग हैं, पुलिस विभाग के इतने सारे विंग्स हैं और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है। तो जब कभी ऐसा होता है तो सब मिलकर कार्रवाई करते हैं और निश्चित रूप से हम सफल होते हैं। बिल्कुल, पूरी कोशिश रहती है कि कंजा कसा जाए। डॉक्टर रजनीश जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रजनीश जी, आपसे एक और चीज यहाँ पर समझना चाहेंगे कि 2019 के मुकाबले हम बात करें तो 2020 में बहुत ज्यादा ये अपराध बढ़ा है और साइबर क्राइम के मामले बढ़े हैं बच्चों के प्रति, तो क्या लोगों की मानसिकता ये समझी जाए कि 2020 में जब लॉकडाउन था तो उस दौरान ज्यादा से ज्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिला और उसकी वजह से ये इतने ज्यादा वायरल जो है इस तरीके के वीडियोस हुए, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इसे देखा और इसी वजह से बच्चों के खिलाफ अपराध भी बढ़ा, क्या ये भी एक मानसिकता समझी जाए? डेफिनेटली इस बात को आप समझें, आज सबसे ज्यादा अवेलेबल इंटरनेट है सब किसी के पास, बच्चे से लेके बड़ों तक, और जिन चीजों को बच्चों को नहीं जानना चाहिए वो समय के पहले समझने लगे हैं। अब उस संबंध में अगर कोई उनको लालच मिलती है, कोई प्रताड़ित करता है तो वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ा ना कि हम इतना हमने ये सब तो उपलब्ध करा दिया लेकिन हमने इसके प्रति जागरूकता नहीं बढ़ाई कि बच्चों को हम सेक्स एजुकेशन ना दें। जैसे हम कह रहे हैं बच्चों को अगर माँ, देखिए ये क्राइम लड़कियों के प्रति ज्यादा होते हैं, लड़कों के प्रति कम होते हैं, तो लड़कियों को अगर माँ उनकी समझाए कि बच्चों को शारीरिक संपर्क की सीमाएं किसी के साथ कितनी है, कोई अगर बच्ची कंप्लेन करती है कि वो मुझे गले लगा लेते हैं या वो मेरे फलाने अंग को छूते हैं तो उसकी बात को ध्यान से सुने, उसको इग्नोर ना करें, और
बिना किसी धारणा के बच्चे की बात को पूरी तरह से समझे, और अगर कोई इस तरह के उत्पीड़न कर रहा है तो उसका सामना करे। हम लोग क्या होता है, सामाजिक रूप से बदनामी होगी, इस डर से पीछे हट जाते हैं, तो फिर वो बच्चे को और उनको करने के लिए प्रेरित मिलती है, और उसकी शिकायत करें मैं करूं बिल्कुल, और बच्चों के प्रति पूरा विश्वास जताए। ये याद रखिए कि बच्चा कभी गलत नहीं बोलता, बच्चा मन बड़ा शांत और सुलभ होता है, और अगर जब आप उसके आस पड़ोस पर ध्यान देंगे, अपने रिश्तेदारों, कभी भी आप किसी के पास छोड़ते हैं बच्चे को, मान लीजिए इमरजेंसी है तो आप उसको बताएं कि अगर कोई घटना घटती है तो मुझे याद से बताएं, उसके साथ इस बात के लिए कम्युनिकेशन रहे, और अगर मान लीजिए कोई बच्चा इस तरह से पीड़ित हो गया है तो उसे मोटिवेट करेगा, हार ना मानो, जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसका कोई बने, और तुमको आगे बढ़ना है, अपनी इस आगे निकलना है तुमको, और बच्चे में जब आप आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, बच्चे में आप जागरूकता लाएंगे, तो आप देखिए क्राइम के आप जितने कानून बनाए उससे क्राइम नहीं रुकेगा, अगर आप अवेयरनेस बढ़ा दें बच्चों में। बिल्कुल अवेयरनेस भी बढ़नी चाहिए, और बच्चों को जैसे कि आपने सेक्स एजुकेशन की बात की उसे लेकर भी जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे अवेयर रहे इन सब चीजों को लेकर। विनोद भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, आप जानकारी दे रहे थे जो ग्वालियर में छापेमारी की गई है सीबीआई की टीम की ओर से, इसके अलावा भी क्या पहले कोई इस तरीके के मामले सामने आए थे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ग्वालियर में, और कोई अपडेट हो मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल मैं बता दूं, जहां तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात है तो ये बहुत गोपनीय मामले होते हैं, और इस तरह के मामले सामान्य तौर पर मीडिया के सामने नहीं आ पाते, क्योंकि कानून के तौर पर इस तरह की गाइडलाइंस है कि किसी भी शिकायतकर्ता की जो शिकायत है उसको गोपनीय रखा जाए। आईटी सेल हो या पुलिस विभाग हो या दूसरे कोई ऐसी संबंधित एजेंसियां जो इस तरह के मामलों को देखती हैं, वो किसी भी ऐसे मामलों को जनता के सामने नहीं लाने देती, लेकिन कानूनी तौर पर लगातार इसमें कार्रवाई होती है, और इस तरह के मामले तब सामने आते हैं जब आरोपी को सजा हो जाती है या आरोपी पर दंडात्मक कार्रवाई होती है। उसमें भी ये आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत गोपनीय रखा जाता है बच्चों के मामले, सामने आना भी जरूरी है, जैसा कि सुधीर जी भी बात करते नजर आए कि रिपोर्ट जब तक मामले की नहीं होगी तब तक कार्रवाई कैसे जो है इन मामलों को लेकर हो पाएगी। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमने चर्चा इसी बात को लेकर की कि पोर्नोग्राफी, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी लगातार बढ़ती जा रही है, उससे कैसे बच्चों को बचाया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।